हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी तिल मावा के लड्डू बनाए हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी होते हैं कि अगर आपने इनको एक बार खा लिया तो आपको बार बार बनाने का और खाने का मन करेगा। और तिल हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप भी इनको एक बार सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी खोया लिया है, जिसको अब हम मावा भी बोलते हैं। एक कटोरी मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी ली है, पौना कटोरी मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, और एक कटोरी मैंने यहाँ पर ये पिसी हुई चीनी ली है, और थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए जिसमें काजू और पिस्ते, इनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर लेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें ये तिल डाल देते हैं। और अब हम तिल को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और तिल चटकने ना लगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तिल चटकने लगे और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और ये तिल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका एक दरदरा सा इसको पीस लेते हैं। हमें इसका यानी कि पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा सा ही रखना है। इस तरह से कुछ सेकंड ही हमें इसको चलाना है मिक्सी को, इस तरह से ये दरदरा पाउडर बन जाएगा। और ये पाउडर हमारा बन गया है। तो अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो उसके लिए हम सेम पैन रखेंगे और इसमें जो हमने सूजी ली थी सूजी को भी डाल देंगे। और अब हम सूजी को भी चलाते हुए भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है, मुझे इसको भूनने में 7 मिनट का टाइम लग गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन फिर से रखेंगे और इसमें ये खोया भी डाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मार्केट वाला खोया लिया है, इसलिए मैं इसको भून रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप घर का खोया यूज कर रही हैं तो आप उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, पर जब मार्केट से हम खोया लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है, तो उसको आप ज़रूर भूनें। अगर कच्चापन रहेगा तो लड्डुओं में टेस्ट नहीं आएगा। जब खोया अच्छे से भून जाता है तभी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। और खोया भी अच्छे से भून गया, आप देख सकती हैं कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब खोया ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। और खोया भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो जो हमने तिलों को इस तरह से कूट के रखा यानी कि दरदरा सा पाउडर बनाया, उनको भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही ये सूजी भी डाल देंगे और ये पिसी हुई चीनी भी डाल देते हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को लिया था वो भी इसमें डाल देते हैं, और ये इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और इनको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे और इनको हम यानी कि इस तरह से बना लेंगे कि लड्डू इनके बन जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका डो थोड़ा सूखा सूखा सा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकती हैं, या आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकती हैं, जिससे इस तरह से बैटर बन जाएगा। ये मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें दूध या घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हम इस वैसे थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से प्रेस करते हुए दबाते हुए गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका ये लड्डू बना लिया है, आप देख सकती हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इनको हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से हाथ में, और दबाते हुए हम इसका गोल लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी लगते हैं खाने में कि आप भी इनको एक बार ज़रूर बनाएं। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। और ये मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है, तो इन लड्डुओं को आप एक बार बना के हफ्ते भर तक खा सकती हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।